अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लहासल अनीक नाजी और शहजाद नवाज के साथ। ये मीडिया के मुख्तलिफ मीडियम्स पर हमने गुफ्तगू की सीरीज़ में, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम वो रह गया जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वन ऑफ द अर्लीस्ट कहना चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक में, वो है रेडियो। अच्छा, रेडियो की इब्तदा जो है ये तो अगेन जर्मनी का तोहफा है, यानी जो 1886 में रिसर्च इस पर तैयार हो गई थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल जो आप कहिए कि जो पहला तजुर्बा, कामयाब तजुर्बा हुआ, ये 1895 में इटली में हो गया था। और उसके बाद रेडियो ने, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आई और फिर रेडियो ने जंगों में किरदार अदा किया। रेडियो ने आप जो तहरीकें फैली हैं दुनिया भर में, उसमें रेडियो का बहुत किरदार रहा। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बगैर, यहाँ पाकिस्तान में हालिया ही सवात एक ऑपरेशन हुआ है रीसेंट हिस्ट्री में, वो जो सवात पूरी वैली कैप्चर जिन लोगों ने की थी, उनका जो प्रोपेगेंडा टूल सबसे सक्सेस माना गया वो रेडियो था। यानी मौलवी फजलुल्लाह जो है वो रेडियो से अपनी ऑडियंस को हैप्नेटाइज कर दिया करता था, और ये हकीकत है कि अनप्रेसिडेंटेड है जितना लोगों ने उसको, यानी इस्लाम के नाम पर, यानी गलत रास्ते पर वो चल पड़े और उन्होंने ख़वातीन ने सोना दिया और बहुत उसको पैसा दिया। बट रेडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो की शक्ल, शहजाद साहब, आज अब तो ऑनलाइन रेडियोज़ हैं, आप अपने फ़ोन पे दुनिया भर के रेडियो सुन लें, लेकिन रेडियो का यानी मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ कहना चाहिए कि आप रेडियो यानी प्रेजेंटर कह लीजिए, एंकर कह लीजिए, मैंने ये हमेशा फ़ील किया कि रेडियो में जब आप गुफ्तगू करते हैं लोगों से और वो कॉल इन शो जब आप बात करते हैं, समहाउ I don't know how to explain that, but somehow it is more personal. The connection, the contact with your listener is more personal than the TV. I don't know why. पता नहीं, शायद टेलीविजन में आदमी थोड़ा उसमें भी होता है कि मैं यानी लग कैसा रहा हूँ वगैरह वगैरह। रेडियो में यूर कैजुअल, बड़ी खुल के बात होती है, तो हाउ डू यू व्यू द रेडियो? अच्छा, दो चीज़ें, एक तो आपने जो अपने प्रीएम्बल में बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और रेडियो इतनी बड़ी ताकत है कि मौलाना फजलुल्लाह जो है वो मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर हुए। मुल्ला रेडियो, मुझे और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं पता हिस्ट्री में किसी किस्म की इंसर्जेंसी में, एनआरकी में, जिसका नाम के साथ एक मीडिया का टूल हो। हाँ। तो मुल्ला रेडियो, और उसकी जो मोबिलिटी थी, उसकी ईज भी थी, क्योंकि आप जो आपके जो उसके जो एंटेनाज होते हैं वो, क्योंकि FM के अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में था, तो यानी कि वो एक रेडियस पे काम करता है, तो वो उठाया, ट्रक पे रखा, कहीं और गए, वहाँ से ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दी, और फिर हमने देखा कि इस तरह से उन्होंने ये किया। भारत तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है रेडियो शुरू से, क्योंकि कहते हैं कि रेडियो इज़ द थिएटर ऑफ द माइंड। जी बिल्कुल, इमेजिनेशन है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट एक सेकेंड समझाने के लिए आगे ले जाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर रेडियो पाकिस्तान ने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अपनी शुरू की FM की, FM गोल्ड। लेकिन जो सक्सेसफुल पाकिस्तान में अगर कोई एग्जांपल है वो FM 100, जो सबसे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और इसने आके वो एक ऐसा कल्चर दिया कि हर गाड़ी में दोबारा से रेडियो आ गया। जावेद पाशा, ये वो जमाने में रेडियो आया है कि जब गाड़ी के मॉडल्स के अंदर FM नहीं होता था। ठीक, तो अब अच्छा, और ट्रांजिस्टर्स जो हैं, जिनको हम ट्रांजिस्टर्स कहा करते थे, वो दैट वाज थिंग ऑफ द पास्ट, या वो AM तक था, और बहुत उसकी पजीराई थी। फौजी भाइयों का प्रोग्राम, मेहनत कशों का प्रोग्राम, किसान भाइयों का प्रोग्राम वगैरह मतलब, तो ये रूरल पाकिस्तान की स्पिरिट थी। इसके अंदर आपके जितने यानी तफरीही प्रोग्राम होते थे, क्रिकेट की कमेंट्री, एब्सोल्युटली, वो तो आज तक भी जैसे लोग ऐसे बिल्कुल देखे ना, जाहरी बात है, वो आपने जो बात की कि तहरीकों ने उसका सहारा लिया, आप सुन रहे हैं और आप कहते हैं कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, थोड़ी देर बाद आप एक और ऐलान सुनेंगे और ऐलान होता है ये अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब ये इतनी बड़ी चीज़
बरकी तरीके से जब आपने फैलाई तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैजिकल इसलिए कि आप अपना खुद हेवला अपने हिसाब से तराशते, एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, अब बाकी आप उस आवाज़ से अब एक रोमांस है। बिल्कुल है। अब उस रोमांस ने अपनी इमेजिनेशन, यानी इस लिसनर के लिए ये आदमी और है, जी हाँ जी, इसके लिए और है। और यही मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान की स्लोगन के साथ एफएम 100 आया और अजमल शोभी और ये और वो और जितने बड़े जो रेडियो प्रेजेंटर्स आए, दे कैप्चर्ड द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। रात को शायरी के शोर है, खवातीन फ़ोन कर रही हैं। जी आज भी 2020 में मैं अब भी रेडियो सुनता हूँ, ना सिर्फ गाड़ी में बल्कि घर में भी मैंने एफएम रखा हुआ है, नॉट थ्रू इंटरनेट बट थ्रू सिग्नल्स। आई जस्ट वांट टू यू नो व्हाट्स हैपनिंग। आज भी वही सवाल है जो तब था कि बड़ी मुश्किल बात कॉल मिली है, आज पहली बार कॉल मिली है, लोग कर रहे हैं कॉल इन शोज में, सो वो मैजिक बरकरार है। नाउ एफएम 100 की मिसाल मैंने पर्टिकुलरली इसलिए दी और ये जो बात की कि इट्स अ थिएटर ऑफ द माइंड, तो एफएम 100 ने ये सोचा क्योंकि उस जमाने में जी डिजिटल, एक तो डीसी पेजर लाए थे और ये रेडियो स्टेशन, ये दो चीजें, दो जिद्दत वो लेके आए थे कि क्यों ना हम अपना रिसाला निकालें। ठीक है। ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मौका था कि एक पूरा रिसाला निकला मंथली अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के नाम से। ठीक है। और पहले इशू वॉज अ बम्पर सेल आउट, बम्पर इशू था, आपको नहीं मिलता था। दूसरे में डबल तादाद हुई और उसके बाद तीसरे चौथे मेरा ख्याल इशू के बाद वो मर गया। मरने की वजह क्या थी? अब उनको शहजाद नवाज की शक्ल नज़र आ गई क्योंकि आपने शहजाद नवाज की जो सहर था, उसकी आवाज़ का, उसकी शायरी का, या ब्ला ब्ला, हर महीने वो एक प्रेजेंटर को इंट्रोड्यूस कराने लग गए और ख्वाब चिकना चूर होना शुरू हो गया, रिसाला बंद हो गया। सो वो जो आप बात कर रहे थे वो मिस्ट्री है और इंसान को लाशऊरी तौर पे चीज़ ही वो अट्रैक्ट करती है जिसमें तजस्सुस हो, जो उसके लिए एक मुअम्मा हो जिसको वो हल करना चाहे और जिसके अंदर उसकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, पहली चीज़। दूसरा, टेलीविजन में जब आप बात कर रहे थे वर्सेस आप जब कहते हैं कि यू फील, आई ऑल्सो बाय द वे लव रेडियो, और मेरी सारी उम्र एक ही ख्वाहिश रही है कि मैंने रेडियो शो करना है, समा मुझे मौका नहीं मिला। वो ये है कि अगला बंदा जो एफर्ट करता है टू वे कम्युनिकेशन का, वो फ़ोन उठा के करता है। टेलीविज़न में अलावा इक्का दुक्का ऐसे प्रोग्राम्स हुए और पीटीवी में स्पेशली लेट नाइट शो होता था जिसमें कॉलिंस होती थी, लाइव कॉल्स, कोई ऐसी मिसाल नहीं है। सो द फैक्ट दैट समबडी इज़ मेड दैट एफर्ट एंड इज़ एबल टू रीच आउट टू यू, इमेजिन कीजिए कामरान खान को लोग फ़ोन कर सकते होते, काशिफ को या आपको या किसी को। मैं तो खैर उस लीग में नहीं आता, नहीं, लीग जी, लीग इन चीज़ों से डिटरमिन नहीं होती, याद रखिएगा सेट के साइज से लीग डिटरमिन नहीं होती। मैं गुजारिश करता चलूं, ये मुझे बड़ा वाकया है जी, आप बात कबूल करिए, मैं आपको वाकया बाद में सुनाता हूँ। जी नहीं, बस यही मैं बात कर रहा था। तो ये इट्स अ मैजिकल मीडियम, इट विल ऑलवेज रिमेन सो, क्योंकि आपने कहा ना कि पहले इंसान, पहले ख्वाब आया, आपने एक एपिसोड फिल्म से पहले ख्वाब था, ख्वाब देखा करता था, फिर फिल्म, उस ख्वाब ही की ताबीर। इसी तरीके से मौजूदा दौर में ख्वाब को साथ साथ जिंदा रखने के लिए आई थिंक रेडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखा कि एयर वाय रेडियो था लंदन में, तो वो मैं करता था, शो करता था। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। इतवार के दिन एक फैसल लड़का वो करता था, बड़ा अच्छा वो रेडियो। अच्छा, वहाँ पर होता ये था जी कि चूँकि वो यहाँ वाली है याशी तो है नहीं, तो आपने वो पैनल भी, यानी मैं पैनल भी मैंने खुद ऑपरेट करना है, कॉल्स भी मैंने खुद लेनी है, और उसके बाद वो कॉल स्क्रीनिंग भी मैंने, यानी पहले खुद ही करनी है, फिर उनको होल्ड भी कर वगैरह वगैरह, एक वन मैन शो, गाने भी आपने खुद प्ले करना। उस जमाने में तो होती सीडी थी। डॉक्टर शाहिद मसूद से यहाँ भी आ गए। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद से उन्होंने कहा कि आप ये एयरवाय रेडियो भी शुरू हुआ तो इतवार के रोज़ आप चले जाया करें ताकि कोई पोलिटिकल गुफ्तगु हो जाया करें। डॉक्टर साहब ने आके वो बैठे और वो कैजुअल आदमी है, तो वो आके, वो जो फैसल था लड़का कराची का, वंडरफुल फेलो, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी पसंद का कोई गाना, मैं पहले कि आप गुफ्तगू करें, गाना प्ले करते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना बताइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा चले आप प्ले कर दें, मैं सुन के बताऊँगा कैसा लगा। उसने गाना प्ले किया, शरारा शरारा। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात है। अच्छा, वो गाने के बीच में भी उन्होंने दो तीन दफ़ा कहा कि बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। वो गाना खत्म हो गया,
डॉक्टर साहब ने अब गुफ्तगू शुरू की, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना है, सियासी तो कर लीजिए, जितनी कॉल्स आई वो ही आई कि डॉक्टर साहब बड़ी मायूसी हुई बड़ा दुख हुआ आपने ये इंडियन गाना सुना, शरारा। आपकी तो पर्सनैलिटी इतनी संजीदा है, आप शरारा सुन रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर उसके साथ सिंपथाइज मतलब कर रहा हूँ कि उस गरीब को ये साबित करना मुश्किल हो गया कि मैं इंसान भी हूँ, मैं उस इमेज के अलावा भी कुछ हूँ जो आप समझते हैं। तो इमेज का प्रिजनर भी तो बंदा बन जाता है ना। बिल्कुल बन जाता, प्रिजनर ऑफ एन इमेज, स्टीरियोटाइप हो जाता, स्टीरियोटाइप। हां जी, रेडियो प्रेजेंटर्स के साथ ये बड़ा इशू रहा जी। यानी ये कि मुझे याद है कि वो एक रेडियो बंगाल की एक बड़ी सीनियर वो प्रेजेंटर थी जिनके चाहने वाले लाखों करोड़ों में थे। उन्होंने सारी जिंदगी इंटरव्यू नहीं दिया, तस्वीर नहीं खिंचवाई कि मेरे लोगों ने जो मुझे समझा है, मैं आई कांट प्लीज एवरीवन, तो लेट इट रिमेन द मिस्ट्री। लेट्स मूव फॉरवर्ड। LBC, लंदन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, सर उनका रेडियो चलता है शहजाद साहब, इस क्वालिटी की डिबेट होती है, यानी लंदन का है वो लोकल, उसमें सर वो टॉक रेडियो है, नो म्यूजिक। अच्छा, अब उसमें आप 24 घंटे में देखने को बड़ी मुश्किल बात है कि कितने मौजूद आप ले आएंगे, साल हा साल से वो चला रहे हैं शहजाद साहब, और क्वालिटी डिबेट होगी इसराइल से लेके मिडल ईस्ट से लेके पानी की क्वालिटी तक और ऑक्सीजन तक, और फिर उसके बाद यानी फुल ऑफ नॉलेज। अब उसमें अलबत्ता डेवलपमेंट ये आ गई है और रोमांस ख़त्म करने के लिए कि अब रेडियो प्रेजेंटर्स ने साथ में अपने ही फ़ोन के ऊपर वो फेसबुक या किसी इस तरह के ऐप पे लाइव हो जाते हैं जी। तो वो जिससे वो ख़त्म, BBC के टॉक रेडियो, मतलब आप इतनी एजुकेशन ले सकते हैं उससे जिससे। अच्छा, फिर सोशल पेटी प्रॉब्लम्स, घर घरों के मसले, हर चीज़ कारोबार रेडियो पे होता है, ये वहाँ आज भी हो रहा है। हमारे यहाँ आपने कहा FM 100 और एक क्रेज़ आ गया और मतलब कमाल हो गया। अब ये क्या हुआ कि ये दर्जनों के एतबार, ये जो हमारे यहाँ दर्जनों के यानी FM है, और मैं आई एम सॉरी, कोई अपीलिंग नहीं है रेडियो ऐसा जिसको मैं सुन के ये कहूँ कि मेरे इल्म में इजाफा हो गया, चलो मैं मेरे लतीफ़ों में ही कोई लतीफ़ा मुझे नया सुनने को मिल जाए, शेर ही कुछ नया सुनने को मिल जाए, कुछ नहीं, वही राउंड सर्कल डिस्कशन बिल्कुल। आई थिंक उसके अंदर दो तीन वजूहात है। नंबर वन, एक तो ये है कि ये जो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, यही रेडियस किलोमीटर बेस पे, लिहाजा बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे आपको फ्रीक्वेंसी एलोकेशन के लिए। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब FM 89 डॉन का आया, बल्कि मैंने लॉन्च किया, तो कई गाड़ियाँ जो उस वक्त जापान से इंपोर्टेड थी उसमें 89 का डायल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ जापान में 89 आई नहीं, 87 या उसके बाद था, 89 के बाद से शुरू होता था, तो कितनी गाड़ियों में 89 चल नहीं सकता था। शुरू शुरू में जब रेडियो पाकिस्तान के अंदर आया है FM, तो आधे मार्केटर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो था ना, बिकॉज ऑब्वियसली ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है, बिकॉज आपको लगता बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन ये जो चिल्लर पैसे होते हैं ना, ये जो पॉकेट मनी मार्केटिंग की तरह कि आप कैंडीज बेच रहे होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन दिस, बाय द वे वर्सेस टेलीविजन, एक छोटे चैनल टेलीविजन स्टेशन से ज्यादा प्रॉफिटेबल एक रेडियो स्टेशन है, इवन अगर जी आज की बात कर रहा हूँ, गिवन कि आपको एक सही जगह का लाइसेंस मिला हुआ और कैटेगरी, क्योंकि वो लाइसेंसेस भी मिले कि हर यूनिवर्सिटी ले सकती थी, क्योंकि वो एजुकेशन के अंडर आता था, लेकिन उसमें इश्तिहार नहीं ले सकते, तो उसमें वो लिमिटेशन है पैमरा की। नाउ तो एक तो ये वजह थी कि बहुत सारे चाहिए थे, हमने कई चीज़ों को अस्यूम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब आपने कहा कोई अच्छा शेर सुनने को नहीं मिला आपको बड़े अरसे, पहली चीज़ ये है कि ये कोई अडल्ट पॉर्न तो नहीं है कि आप कहते हैं यार अडल्ट टाइमिंग है। आप देखें, हर एक ने ये कर लिया कि रात लेट नाइट शायरी होगी, मतलब ये किसने बताया आपको, ये किसने कहा आपको, हु टोल्ड यू कि अच्छी शायरी अच्छी गजल सुनने के लिए आपको रात 2 बजे का प्रोग्राम सुनना है। यानी आप कोई बहुत ही ख्वार आशिक हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, और आप मतलब आपका दिल टूटा हुआ है, मतलब वाई। सो हमने अस्यूम कर लिया और हमने सारा एम्फेसिस म्यूजिक पे रखा, म्यूजिक सेंट्रिक रहे। टॉक रेडियो तो पाकिस्तान में एक भी नहीं है, मैंने 2007 के ऊपर टॉक रेडियो पाकिस्तान का पहला करने के ऊपर पूरा काम किया, ऑलमोस्ट हो गया था, मेरी बदकिस्मती कह लीजिए कि मैं, सो आफ्टर लॉन्चिंग सो मच ऑफ टेलीविजन, इतनी पॉलिटिकल एजुकेशन, आई वेंट फॉर माय ओन मीडिया कंपनी दैट ऑलमोस्ट गॉट लॉन्च्ड बाय द वे विद फ्यू पीपल इन पार्टनरशिप, वाज द टॉक रेडियो। आई वाज गोना गो अहेड, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का मसला ही ये नजर आया कि हम बात नहीं करते,
बात नहीं, हम डायलॉग नहीं, पॉलिटिकल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन रेडियो से होती है। तो अब लेके जाके जो अच्छी बात है, हाल हाल आज की बात करें दौरे हाजिर की, तो रेडियो ड्रामास वापस आ गए, जो कि रेडियो पाकिस्तान का खासा था। सर खूबसूरत चीज़ होती है ये वापस। आर्चर्स जी बीबीसी का चल रहा है, मतलब 80 साल से चल रहा है सर। तो वो तो बहुत आगे है ना जी, क्योंकि उन्होंने तो देखें लाइफस्टाइल का भी अलग बनाया हुआ है, एशियन म्यूजिक नेटवर्क उनका अलग है, वगैरह वगैरह, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, क्योंकि उन्होंने उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखा और उसकी आबादी भी फिर ऐसे बढ़ी। हमारे यहाँ तो FM जब तक 98-99 में नहीं आया था, FM नहीं लाया था, तो FM तो कोई सुन ही नहीं रहा था, हम लाए नहीं, हम हमेशा देर करते हैं हर चीज़ में, हम हमेशा, मुझे नहीं समझ आती बाय द वे करके हम कोई चीज़ कर देते हैं। और AM की अपनी एक मार्केट है, एब्सोल्युटली उसका फुटप्रिंट इतना बड़ा है। फिर जब डिजिटल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो ये स्ट्रीम होने लग गया जो आपने बताया, और फिर जैसे आपने बताया कि फिर वो पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि आप जब अपना रेडियो शो कर रहे हैं, वो आप स्ट्रीम कर रहे हैं कैमरे के साथ अपना शो फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी या दूसरे प्लेटफॉर्म से, एंड इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नाउ। जंग ग्रुप की मैं मिसाल देता हूँ कि जंग ग्रुप के पास FM 101 का मार्केटिंग लाइसेंस था, और ये वो दौर है जब जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मीडिया में एंट्री होती है। अच्छा। वो एज अ रेडियो होस्ट होती है। अच्छा। और वो मोबाइल लिंक का एक क्विज प्रोग्राम होता था जिसमें गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, ये वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। और मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, लेकिन जंग ग्रुप के पोर्टफोलियो का जो प्लान था उसमें रेडियो लाजमी था। सोहेल तकी मरहूम जो डायरेक्टर टेक्निकल थे, उन्होंने उस पर बहुत आगे तक काम कर लिया था, और मुझे शायद जहाँ तक अगर सही खबर है तो लाइसेंस शायद मिल भी गया था, आई डोंट नो, आई हैड लेफ्ट बाय दैट टाइम। उसके बाद अगर आप देखते हैं किसी और ग्रुप ने इसके अंदर सही मेहनत की है और इन्वेस्टमेंट की है, वो है समा। They went into their समा रेडियो एज वेल, और TV1 News1 वो Radio 1 के अंदर गए, राइट। सो आई सी कि इसने बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये बहुत बड़ा काम ना करता होता रेडियो आज के दौर में, इंटरनेट के दौर पे, सोशल मीडिया के दौर पे, डिजिटल के दौर पे, तो मुल्ला फजलुल्लाह को तो एक सेकंड हम छोड़ देते हैं, स्वाद को, ऑल इंडिया बलूचिस्तान सर्विस ना शुरू होती है इंडिया की, जो मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले शुरू हुई है। ठीक है। यानी बलूचिस्तान हम कश्मीरी जबान में रेडियो पाकिस्तान। जी 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 बिल्कुल ऐसा। हालांकि बनाया ना इंडिया ने पाकिस्तान ने, ये अंग्रेज की मेहरबानी दे गया। अच्छा। वो तो खैर जी बहुत सारी चीज़ें, रेलवे भी है वगैरह वगैरह, बट पॉइंट बीइंग कि ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है, बिकॉज जब आप इसको देखें, जब आप टेलीविजन देखते हैं तो आप साथ साथ, क्योंकि ऑडियो के साथ वीडियो भी देख रहे होते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारा कोई व्यूअर आपकी चेक वाली शर्ट को नोट कर रहा होगा, राइट। हो सकता है मेरे जेस्चर्स को इस वक्त जो मेरे हाथ चल रहे हैं देख रहा होगा, मेरे कड़े देख, सो मेनी डिस्ट्रैक्शन। रेडियो इज कैजुअल, वो बात ही, इट्स नथिंग बट यू, इज जस्ट लाइक सिनेमा, दैट्स व्हाई दिस इज द थिएटर ऑफ द माइंड। सो व्हेन दे से थिएटर, दिस दे मीन सिनेमा हॉल, नॉट द ड्रामा थिएटर। अब आपके जो फिल्टर्स होते हैं वो लोअर हो जाते हैं, योर गार्ड्स आर लोअर, यू आर विलिंग टू रिसीव इंफॉर्मेशन बिकॉज योर माइंड इज एट पीस एंड एट ईज कंपेयर टू टेलीविजन। बिकॉज रेडियो आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं, बल्कि जितनी चीज़ कोई भी बेदहानी में सुनी जाएगी उसका आप पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, देखिए ना, मॉर्निंग ड्राइव टाइम आपका हो गया, उसके बाद आपका इवनिंग ड्राइव टाइम हो गया, दोपहर में आपको ख़वातीन के खाने कुकिंग हो गई। साउथ हॉल एक इलाका है ईस्ट लंदन का मशहूर मारूफ, वहाँ एक साहब ने, इंडियन, उन्होंने चोरी रेडियो चलाना शुरू किया था, ये चोरी यानी, उसके बाद उनको लीगल कर दिया तो सनराइज़ रेडियो बना, और सनराइज़ रेडियो से उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई 16 या 17 साल के अंदर, मतलब है कि वो एक इतनी बड़ी मीडिया एम्पायर बनाई कि उसके बाद उसको बैंकक्रप्ट कंपनी को करा के, ही इज़ वन ऑफ द यानी रिचेस्ट एशियंस, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एशियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चोरी रेडियो चलाने वाला बिल्कुल आम सा आदमी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। हमारे यहाँ एक चीज़ जो अभी तक, दो चीज़ें रेडियो की नहीं हुई, एक तो जैसे बाहर यूरोप में, जैसे जब आपका द पाकिस्तानी चैनल था आपने बात की, तो वो टाइम शेयरिंग होती थी मुख्तलिफ लोगों ने, और अमेरिका में जैसे आज भी होता है कि बहुत सारी कंपनियों ने टाइम बैंड्स खरीदे होते हैं, फ्रीक्वेंसी वही होती है, तो पता लगा जी 4 से 6 तक बंगाली प्रोग्रामिंग है, 7 से 8 पाकिस्तानी, आगे इंडियन है वगैरह वगैरह, और ऐसे ला तादाद चैनल्स हैं। FM की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, एक तो ये नहीं है जो कि होना चाहिए, ताकि जो छोटे ऑपरेटर्स हैं या जो एक नीश प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी
अवेलेबल हो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दूसरा, दुनिया में सैटेलाइट रेडियो आ चुका है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सैटेलाइट रेडियो नहीं है, हम अभी भी वो एंटेना बेस्ड रेडियो है। जो डैब, क्या ये डैब आया ना, डैब जो डिजिटल आपने बताया, ये 2001 में आया है डिजिटल रेडियो जब हुआ है डैब पाकिस्तान में। नहीं नहीं, अच्छा यूनिवर्सली, अच्छा इंटरनेशनली, नो आई डोंट नो द डेट, बट सिरिस फॉर एग्जांपल अब इतना सक्सेसफुल है, फॉर एग्जांपल रेडियो की इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ, कि गाड़ियों की कंपनियाँ यानी कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक फोर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर और डिफरेंट कंपनीज, वो अपनी गाड़ी बेचते हुए उसके पैकेज में आपको महीने महीने दो दो महीने का ये रेडियो ये जो मेंबरशिप फ्री देते हैं सिरिस वगैरह की, सैटेलाइट की। व्हाई? बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। पाकिस्तान में जितने रेडियो हैं वो फ्री टू एयर, हमारे चैनल्स की तरह, अलावा पीटीवी के। खैर टीवी भी एक तरह से इनडायरेक्टली तो आप जनाब सब्सक्राइब ही कर रहे हैं, आप केबल ऑपरेटर को दे रहे हैं, लेकिन वो फिर क्लटर फ्री, एड फ्री उसकी ट्रांसमिशन होती है, और उसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो मेगाहर्ट्ज़ हैं, जो साउंड के किलोहर्ट्ज़ हैं, वो जो साउंड क्वालिटी है इज अनमैच्ड, राइट। और आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियां जिनकी छत पे एक वो शार्क की वो फिन टाइप लगी होती है, इट इज एक्चुअली दैट एंटेना व्हिच इज द कार इज रेडी टू रिसीव द सैटेलाइट। वो एंटेना है, वो बिल्कुल एंटेना रेडियो का है, ठीक है, जो आप हर नई गाड़ी पे देखते हैं, 2000 ऑनवर्ड्स आप गाड़ियों में देखते। तो हमने अभी भी इसको इवॉल्व नहीं किया सैटेलाइट। एक किसी कंपनी ने ट्राई किया था जी, कराची के कुछ लोग हैं, उन्होंने ट्राई किया और उनको लाइसेंस भी मिल गया था, यानी जिस कंपनी को वो ला रहे थे उसका, एंड वाज अ आई थिंक अ ग्रेट आइडिया, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। दे वर वेरी क्लोज टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एट दैट टाइम ऑल्सो, तो वो मुझे लगता था हो जाएगा, और क्योंकि मेरी उनसे निगोसिएशंस हुई थी। तो रेडियो को हमने अब जिस तरह जो ये ट्रेडिशनल मीडियम है यानी एफएम की जितनी, हमने उसको आई थिंक अलावा टॉक रेडियो के पूरा यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब जब तक जिद्दत नहीं आई जी, वो स्मॉल सर्कल में तो घूम लिया जितना घूमना था। गाड़ी के अंदर रेडियो होना एक बात है, क्योंकि वो तो उसका फीचर है, बात ये है कि कितने रेडियो रेडियो की वजह से घर में रेडियो सेट लेके आए उस चैनल की वजह से, उसकी कोई खास मेरे पास ना डाटा है ना आई थिंक कोई ऐसा होगा। एफएम 100 यस, वो ऐसा दौर था कि आप प्योर जस्ट अमेज्ड कि यार ये क्या है, बिकॉज वो अगेन क्यों था, जैसे प्राइवेट टीवी चैनल था, पीटीवी देख देख के जब पहला प्राइवेट टीवी चैनल आया, पहला दूसरा तीसरा, तो आपको एक इतनी बड़ी फ्रेशनेस नजर आई रेडियो में भी, रेडियो पाकिस्तान सोन 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 ठीक बात, लहजात वही तरीका, वो सब कुछ अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ बदला नहीं, वो उसी तरह रिजिड रहा। और रेडियो के लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल नाजी साहब मैं कहना चाहूँगा, वो फिनोमिनल है। उसने हमें टीवी स्टार्स दिए, उसने हमें फिल्म स्टार्स दिए, उसने हमें शाहकार गाने दिए। सर उसने बोलना सिखाया, बोलना सिखाया, अदायगी क्या होती क्या है, लफ्ज क्या होता है, लहजा कंट्रोल, ब्रीदिंग, और अगर ब्रीदिंग क्या होती फॉली जो होती है, द साउंड डिजाइन, पहली बार सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कभी कहीं यूज हुआ, तो वो फिल्म नहीं होगी, वो रेडियो होगा, कि आप चमचों के और चीजों से टेबलें बजा के साउंड ड्रामे के दौरान जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते थे, आप साउंड फॉली क्रिएट करते थे, साउंड डिजाइन। आई थिंक द लॉन्गेस्ट रनिंग साउंड डिजाइन कॉन्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान इज ऑफ रेडियो। ठीक है, एंड रेडियो पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि हमने यानी अपनी महरूमियों की तरफ अगर नज़र डाली जाए, खुश्क साली की तरफ नज़र डाली जाए, जिसको मुख्तार मसूद ने कहतरुज्जाल कहा है जी, कि थिएटर हमने ख़त्म कर दिया, फिल्म हमने ख़त्म कर दी, रेडियो से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने थिएटर ख़त्म नहीं किया, हमने थिएटर को थड़े पर ले आए, किसी और लेवल पर ले आए, कमर्शियल थिएटर जिसके अंदर जूम आनी जुमले और नाजेबा थीम्स के ऊपर काम हुआ, और अगेन डांस को फिल्म की तरह उसका एक लाजमी जुज्व बना दिया, और फिर जिस वल्गैरिटी पे वो हुआ हो रहा है जी, तो ख़त्म नहीं किया हमने उसके ऊपर से, लेस जस्ट से कि हम उस हमने यानी एज अ कंट्री एज पीपल हमने उसमें इंटरेस्ट देखे फॉस्टर नहीं किया ना। एक बच्चा है, आप उसको अच्छे स्कूल भेजेंगे, उसको आप बोर्डिंग स्कूल से गुजारेंगे, बैठने का खाने पीने का सलीका जब सिखाएंगे, तालीम देंगे, तो वो कुछ बनेगा।
अब आप खुद बच्चे को बीच जंगल में या आप कचरे कुंडी पे छोड़ आए, जंगली फूल, तो पेट्रनेज एंड अपब्रिंगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से इन फैकल्टीज ऑफ आर्ट के लिए भी जरूरी थी। लेकिन कई ऐसे आर्ट फील्ड्स भी हैं जिसको इन पेट्रनेज के बावजूद वो फ्लरिश कर गई, वो है हमारे पाकिस्तान के पेंटर्स। जी 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 जी, दे वर नेवर पेट्रनाइज्ड, दे वर नेवर सपोर्टेड बाय द स्टेट एट एनी लेवल। लेट्स कम बैक टू द रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका। जी अच्छा, अब मजे की बात यह है कि कम लोग जानते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका को खुद अमेरिका के अंदर नशरियात बाय लॉ इजाजत ही नहीं है, वो सिर्फ बाहर के लिए है। अब अगर वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो आज तक चल रहा है इस तमाम टेक्नोलॉजी के साथ जो वहीं ईजाद हुई है, जी तो इसका मतलब है कि वो पागल तो प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही। यही मामला यानी फ्रेंच का है या अच्छा अब लेटेस्ट जर्मनी वगैरह वगैरह। जी इस वक्त ये है जी कि रेडियो चाइना, यानी रेडियो चाइना इस वक्त चाइनीज लैंग्वेज की जो क्लासेस हैं वो रेडियो पे दे रहा है और यहाँ पे उसकी लिसनरशिप है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंच आप सीखना चाहें रेडियो पर सीख लें। हम ये भी नहीं कर सके शहजाद साहब कि चाइना हमारा इतना बड़ा पार्टनर सीपैक में बनने जा रहा है, यहाँ की किसी टेलीविजन कंपनी ने मेरा ख्याल है ये कोशिश ही नहीं की कि किसी चाइनीज़ टेलीविजन कंपनी के साथ वो जाए। टीवी हम बहुत डिस्कस कर चुके, रेडियो मतलब इतने यहाँ रेडियो पाकिस्तान के अलावा प्राइवेट रेडियो ऑपरेटर्स हैं, इनमें से किसी को अकल ना आई कि सीपैक में रेडियो के चार लाइसेंस डलवा दो, हमें लिस्टनरशिप चाइना की मिल जाए, उनको मतलब हमारी तो उनके नज़दीक क्या ऐसी है, लेकिन हमें वहाँ की लिस्टनरशिप मिल जाए। बिल्कुल, वो हमें चीनी सिखा रहे हैं, हम उर्दू उन्हें क्यों नहीं सिखा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें एक 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 चैनल पाकिस्तान चाइना के कलेबोरेशन से चल रहा है इस्लामाबाद में, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग चाइनीज और पाकिस्तानी है और उसमें टाइम शेयर हुआ हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, अब अगर चीज़ बदली ना हो तो मुझे ये ज़रूर पता है, इस पर मेरी डिस्कशन हो चुकी है कि पूरे सीपैक के ऊपर, यानी आपके पास ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज होंगी, लिहाजा जैसे FM 89.4 वाहिद पाकिस्तान का FM चैनल है जो सबसे ज़्यादा हर जगह सुना जाता है, उसकी कवरेज है दी ओनली चैनल। तो उस सीपैक के ऊपर मेरी खुद बाकायदा बात हुई है, बल्कि उनसे हुई जो अब चेयरमैन सीपैक है जनरल आसिम सलीम बाजवा से हुई। पिज़्ज़ा खाने से पहले हुई थी बाद में हुई थी? मैं तो जी चीज़ पिज़्ज़ा खाते मैं तो चीज़ अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ आई एम हेल्थ कॉन्शियस। ना सिर्फ ये, मेरी ये भी बात हुई कि इसके ऊपर जो बिल बोर्ड हैं किस तरह से क्या होगा वो अभी से हमें पता होना चाहिए, यू नो, सो इट यू नो इट कैन बी यूज्ड मोर इफेक्टिवली नाउ। बट पहली चीज़ तो ये कि वो रेडियो एक है। देखिए दूसरा ये है कि यू आर राइट, प्रिंट की हद तक जंग ने जाके एक चाइना के अंदर कलेबरेशन के लिए ऑलरेडी वो हो जाके मिला है, डील कर ली है। अच्छा ये हुआ है? जी 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 जी, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सरमद अली, ही वाज टेलिंग मी कि वो चाइना के साथ अभी कोई हैंडशेक करके आए हैं, सम कोलैबोरेशन ऑन द प्रिंट साइड। प्रिंट, अच्छा प्रिंट साइड, अच्छा ठीक है, ओके। रेडियो आई टोटली अग्री। अच्छा लेकिन हमें अब अगर सैटेलाइट हो तो समझ आती है ना, क्योंकि वो आपको फुटप्रिंट आपको अगर चाहिए तो। अच्छा जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा था आपसे, अगेन इसको हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है। मुर्तुज़ा सोलंगी साहब के टाइम जब वो यानी करता धरता लगे, हेड लगे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लिया एंड ही शुड बी गिवन द क्रेडिट फॉर इट। उन्होंने डिजिटाइज करना शुरू किया पूरा आर्काइव। ठीक है, कितनी बड़ी चीज़ मिसिंग है। वाह बिल्कुल, कि आपकी इतनी जो स्पूल्स और नागरा की टेप्स, हाफ इंच टेप्स जो हैं, स्पूल्स पड़े हुए हैं, उसको प्रिजर्व कीजिए, उसको प्रिजर्व करें। तो उन्होंने वो प्रोसेस शुरू किया, वो कहाँ तक पहुँचा मुझे ये इसका इल्म नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस, क्योंकि मैं ख़ुद विज़िट किया मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इस्लामाबाद हेड क्वार्टर्स एंड ब्यूटीफुल फैसिलिटी, लेकिन देख के उतना ही दुख हुआ कि PTV की तरह वो जो वहाँ इक्विपमेंट है, हालांकि आपको पता है कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है रेडियो का इक्विपमेंट कि इट्स फिनोमिनल, यानी इतना सस्ता है कि आप सोच नहीं सकते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड क्लास मटेरियल एंड इक्विपमेंट, बट वो अपग्रेड की गुंजाइश है। तो एक ये अच्छी चीज़ हुई जो हमने देखी। एक और चीज़ लेकिन बुरी हुई, वो क्या हुई, हमने कोई, आप मुझे इंस्टीट्यूट बता दें जहाँ पे हम रेडियो की ट्रेनिंग दे रहे हो। PTV अकेडमी बना के बंद की, वो मेरी नाअहली थी चले, लेकिन मेरी ये काबिलियत भी तो हो कि एज रेडियो मैन फ़र्ज़ करें अगर मैं PBC में, तो मैं अपने वहाँ कोई कोर्सेज कराऊँ, लोगों को इन्वॉल्व करूँ, जिस तरह हमने नेशनल गेम हॉकी मार दिया
क्रिकेट तो अपनी बुनियाद पे चल रहा है, उसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं है, नेशनल गेम मार दिया हमने। इसी तरह रेडियो के साथ हम ये ज्यादती कर रहे हैं। और आखिर में मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाऊँगा, अगेन मैं TRT का एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, टर्की का 2015 में वो आता है और उसका नाम है TRT, टेलीविजन एंड रेडियो टर्की। क्या बात। हमारा PTV अलग है, PBC अलग है। तो ये सोच आप देख लें, लुक, BBC इज वन, वेदर इट इज रेडियो टेलीविजन, यहां पे ये दो अलग अलग है। हमें इसको सीरियसली रीथिंक करना पड़ेगा और इसको एक एम्बिट पे लाना पड़ेगा और समझना ये पड़ेगा कि ये सिर्फ टूल्स हैं, ये स्ट्रैटेजीज नहीं है, वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। वाह वाह वाह। तो ये आई थिंक जब हम कर लेंगे, आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड कि हमारा रेडियो बहुत ज्यादा अपने लिए जगह बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है और एक सेकंड जी, अब कुछ नहीं मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, ये प्रोग्राम का ये वक्त खत्म हुआ। अगेन रेडियो एक बहुत यानी अगेन हमारा रियल इस्टेट के साथ हमारा इन्फैचुएशन अगर ख़त्म हो जाए तो काश ये किसी को पता चले कि फिल्म इंडस्ट्री की तरह, ड्रामा इंडस्ट्री की तरह रेडियो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक साइकिल को एक ख़ास हलके में चलाने के लिए। और उसमें सिर्फ अगेन वो आर्टिस्ट नहीं है जो आपसे बात करते हैं, वो अगर टॉक रेडियो होगा यानी किसी टॉपिक ओरिएंटेड गुफ्तगू होगी, इकोनॉमी पर बात हो सकती है, कैरियर काउंसलिंग पर बात हो सकती है, नए बिजनेस के आइडियाज़ पर बात हो सकती है, ये रेडियो पर ये सब कुछ हो सकता है। बहरहाल ये गुफ्तगू भी उम्मीद तो मतलब उम्मीद नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि मायूसी भरा यकीन सा है कि गुफ्तगू ये हासिल ही रहेगी और रेडियो भी इस तरह से जिस तरह बाकी जंगली फूलों की तरह, जड़ी बूटियों की तरह बाकी इदारे चल रहे हैं, रेडियो भी चलता रहेगा। इजाज़त चाहते हैं जी, देखते रहिएगा लाहसल यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज़।